आज दूसरी बार वो सलाह बुड्ढा मेरी आंखों के सामने मेरा जहाज ले गया। पर तुम पहले भी तो इस टापू पर अकेले रहे हो, पहले की तरह इस बार भी हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। पर किस लिए और फायदा क्या है बताओ तो? जहाज तो गया तो फिर जाएंगे कैसे? हाँ, अगर तुमने अपने कपड़ों में कोई जहाज वहाज छुपा रखा है तो बोलो। बड़ा हरामी हो। रुको जरा, सबर करो। वैसे भी तुम्हारे उन तक पहुंचने से पहले तुम्हारा बिल मर चुका होगा। पर तुम कप्तान जैक स्पैरो हो, तुम्हें कभी किसी कैद की दीवारें नहीं रोक पाई हैं। तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी भाग निकले थे। तुमने एक गोली चलाए बगैर शहरों पर कब्जा किया है। क्या तुम वही लुटेरे हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना था? तुम पिछली बार यहाँ से कैसे बच निकले थे? कैसे निकला तुम यही जानना चाहती हो ना? तो ठीक है, बताता हूँ। पिछली बार गैर कानूनी दारू का धंधा करने वाले अपना माल छिपाने आए थे और मैं उनके साथ सौदा करके यहाँ से निकल गया था। अंदर रखी दारू देखकर लगता है उनका धंधा बंद हो गया है। चाहे तुम्हारे उस साले नॉरिंगटन ने उनका धंधा चौपट कर दिया। तो ये है असली राज, ये है राज जाने माने जैक स्पैरो के सफर का। तुम तीन दिन तक यहाँ शराब पीकर बेहोश रहे? तो तुम भी बेहोश हो जाओ ना। ये बढ़िया था। तुम्ही हो ना जैक स्पैरो? यार ये सब लोग कैप्टन क्यों भूल जाते? तुम्हारा नाम खूब सुने हैं हम, हमें तो तुम जानते ही हो। ये तो ज़्यादती है, अब मैं हर लुटने वाले को थोड़ी याद रखता हूँ। तुम हम जानते हैं कि नक्शा तुम्हारे पास है, तो नक्शा जब्त कर लेते हैं और इसे तुरंत सूली पर चढ़ा देते हैं। क्या नक्शा है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर कहाँ है? सच कहूं, खो गया। लगता है किसी ने जेब काट ली। हमें खबर मिली है कि स्पेन वालों ने मृत्युंजय अमृत की खोज कर ली है। मैं किसी भी हालत में कोई मरियल स्पेन के राजा को जिंदगी भर नौजवान बनते नहीं देख सकता। मृत्युंजय अमृत तक पहुंचने का रास्ता तुम जानते हो? सब जानते हैं। मैं जानता हूँ। कितने शानदार विचार रखते हैं। बोलो कैसे मरना चाहोगे? लुटेरे लटक कर या गोली खाकर या नई जान गिलेटिन फ्रेंच लगता है। मुझे फ्रेंच लोग बहुत पसंद है। वो एक किस्म का ब्रेड बनाते हैं जिसको कहते हैं खोखरो। कैसे कैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वहाँ पे ये फ्रेंच लोग ये भी बनाते हैं। यहाँ तक भी धक्का मार के लाया हो, ऊपर भी गोद में उठा के चढ़ा देते। टोकरी ले आओ। टोकरी किस लिए?
भाई भाई साहब सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, पुराने रीति रिवाज के हिसाब से पत्थर क्यों नहीं मरवाते हैं? आखिर परंपरा भी कोई चीज होती है, बबली को भी मजा आएगा। चीर फाड़ दीवार से बब्बन मियां से बात करना है मुझे। बब्बन को बुला। ये टोकरी प्लीज खाली कराएंगे, मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर की जाओ जी कप्तान, रस्सी उतर के चोए दिल्ली छाट। ओए छेती छेती चलो, ओए जल्दी करो जी कप्तान। आ जाओ अच्छा हो मुझे। जल्दी हाथ पैर चलाओ, नाली के गिरो। अब आकर रुक से बाल लगाओ बच्चों, रस्सी ढीली छोड़ो और मोड़ो। ए भाई स्पैरो। जी हुजूर। क्या ख्याल है, रस्सी की हालत कैसी लग रही है? जी हमरे को तो ठीक ही लग रहा है हुजूर। बकवास, ना तो ये ठीक है ना ही सही, समझे? ना तो ये काम की है ना ही लंबी, बल्कि मैं तो कहूंगा घटिया। माफी चाहते हैं माई बाप, बस आप हमरे को एक ठो मौका दे दीजिए। मौका? मुझे तो जिंदगी में आज तक एक मौका नहीं मिला।